आपके सबसे पुरानी बेसिक मेडिकल साइंसेज में से एक है और ये सबसे पहले इजिप्त में पढ़ी गई थी एरेस्टोटल आपके पहले पर्सन थे जिन्होंने एनाटोमी वर्ड को टर्म किया एनाटॉमी बेसिकली आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है एना एंड टॉमी जिसमें एना का मतलब होता है अप और टॉमी का मतलब होता है कटिंग कटिंग अप और टेकिंग पार्ट दैट मीन्स कट करना आपकी ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्रेन है लंग्स है हार्ट है और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं। तो इन सारे ऑर्गन्स को अलग करके, सेपरेट करके, करके, जब हम हम करते हैं, हैं। उसे ही हम बोलते फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट मींस जब हम ह्यूमन बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं उसे ही हम anatomy बोलते हैं एंड फिजियोलॉजी क्या है इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द Internal working of living things, including functions such as metabolism, respiration and reproduction. That means जब आप किसी स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो उसे हम anatomy बोलेंगे। लेकिन उसी स्ट्रक्चर के जब आप फंक्शन को पढ़ते हो, तो उन functions की जो स्टडी होगी उसे हम फिजियोलॉजी बोलेंगे। Now we will study about systems of the human body। तो so जो हमारा human body है उसको different systems में बांट दिया गया है और उन systems में हम सर्टेन ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो क्या क्या सिस्टम से फर्स्ट वन इज कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम कार्डियो मींस होता है हार्ट एंड वेस्कुलर का मतलब है वेसल्स तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे वेसल्स क्या होती हैं ब्लड ब्लड के फंक्शंस हार्ट के फंक्शंस वेसल्स के फंक्शन और कैसे हार्ट ब्लड पंप करता है क्या साइकिल होती है ये सारी चीजें हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे लिम्फेटिक लिम्फेटिक सिस्टम, सिस्टम में हम बेसिकली लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं या फिर लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम रिस्पायरेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि लंग्स हो गया है न अपर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं है? होते है? Stomak, है? कौन -कौन होते है? है ना और क्या क्या फंक्शन होता है फूड को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है क्या प्रोसेस चलती है कौन से एंजाइम होते हैं ये सारी चीजें हम हम डाइजेस्टिव सिस्टम 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 में में पढ़ेंगे नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी पढ़ेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या होती है जैसे कि किडनी है ये सारी चीजें हम एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम में हम बेसिकली ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं कितनी टाइप की ग्लैंड्स होती हैं क्या फंक्शन होते हैं इन ग्लैंड के हारमोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं पर्टिकुलर हार्मोन्स के क्या फंक्शन होते हैं नेक्स्ट इज रेप्रोडक्टिव सिस्टम रेप्रोडक्टिव सिस्टम में हम रेप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं मेल एंड फीमेल क्या-क्या इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और क्या-क्या एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं ये सारी चीजें पढ़ेंगे और साथ में उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम में हम बेसिकली बोन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं बोन्स क्या होती हैं बोन्स कैसे हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है दैट विल लिस्टेड इन स्केलेटन सिस्टम नेक्स्ट आपका आता है नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स ब्रेन कॉर्ड क्रेनियल नर्व इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं और उनके फंक्शन क्या प्रोसेस होती है ये सारी चीजें पढ़ते हैं नेक्स्ट इज सिस्टम सिस्टमेंट्री सिस्टम में स्किन नेल हेयर इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं लास्ट वन इज मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर सिस्टम में हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है कहाँ पे कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं और सर्टेन मसल्स का क्या काम होता है इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं ये सारे सिस्टम्स की वीडियो वन बाई वन चैनल पे आती रहेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप सारी क्लासेस ले सको लेट्स मूव टू द टॉपिक एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजी जिसमें पहला आपका आता है एनाटोमिकल पोजिशन तो पोजिशन को हम एनाटॉमी में इसलिए पढ़ते हैं ताकि कल को जब आप क्लिनिकल सेटअप में जाओ तो फिर वहाँ पे आप पेशेंट को राइट right पोजीशन दे पाओ जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो अगर पेशेंट राइट पोजीशन में है तो जो भी आपका रिजल्ट है या फिर असेसमेंट है वो राइट right होगा अगर रॉन्ग पोजिशन है तो मे बी वो फॉल्टी हो सकता है दूसरा सर्जरी के बाद डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन देनी होती हैं जिससे पेशेंट को कंफर्टेबल फील होता है तो अभी हम एनाटमी में मेनली थ्री पोजिशंस को पढ़ेंगे बाकी और भी बहुत सारी पोजिशन है जो हम नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ते हैं तो आपको डायग्राम में ऑलरेडी दिख रहा है कि सब्जेक्ट स्टैंडिंग में है तो स्टैंडिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होता है द सब्जेक्ट स्टैंड एरक्ट फेसिंग द ऑब्जर्वर विद द हेड लेवल द आईज फॉरवर्ड फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड द आर्म्स एट देयर साइड्स पाम्स फॉरवर्ड दैट पार्मी जो सब्जेक्ट आपका है वो ऑब्जर्वर को फेस कर रहा है और सीधा खड़ा है ऑब्जर्वर कौन होगा जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा वो ऑब्जर्वर कहलाएगा तो फेस करना है सीधा खड़ा होना है ठीक है और आईज फॉरवर्ड मतलब सामने देखना है फीट आप ऑलरेडी देख रहे हो डायग्राम में फ्लैट हैं एंड आर्म्स जो हैं वो साइड वाइज हैं और फॉरवर्ड हैं पाम्स भी फॉरवर्ड हैं है ना सब कुछ फॉरवर्ड है सामने की साइड है और ऑब्जर्वर को फेस कर रहे हैं स्टैंडिंग नेक्स्ट हमारी आती है सुपाइन पोजिशन इन विच पर्सन लाइज स्ट्रेट ऑन द बैक विथ फेस डायरेक्टेड अपवर्ड्स डेट मींस पर्सन पीछे की ओर सीधा लेटता है और फेस उसका अपवर्ड्स रहता है सामने की ओर रहता है तो दिस पोजिशन इज कॉल्ड एज सुपाइन पोजिशन

सुपाइन पोजिशन का मतलब सीधा लेटना या फिर स्ट्रेट टू बैक लेग्स कैसे होंगे सेपरेट होंगे डायग्राम में आपको दिख रहा है एंड स्ट्रिप्स ये जो स्ट्रिप्स हैं ये सपोर्ट कर रही हैं लेग्स को क्यों सपोर्ट देते हैं हम लोग ताकि पेशेंट को पेन ना हो क्योंकि ये लॉन्ग टाइम भी हो सकती है मे बी वन आवर टू आवर अगर ऐसी पोजीशन में रख दिया तो फिर पेन होने लगेगा स्ट्रिप्स हैं तो फिर क्या होगा कंफर्टेबल फील करेगा पेशेंट और बेसिकली ये पोजीशन हम नॉर्मल डिलीवरी में देते हैं चाइल्ड बर्थ के टाइम या फिर आपको कोई एग्जामिनेशन करना है तो फिर आप ये पोजीशन प्रिफर करोगे एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट्स को दो रीजन में डिवाइड किया गया है फर्स्ट इज एक्शियल रीजन एंड सेकेंड इज अपडिकुलर रीजन तो एक्शियल रीजन में आप क्या आते हैं हेड नेक एंड ट्रंक एरिया आता है एंड अपेंडिकुलर रीजन में वो सब आता है जो एक्जुअल रीजन से अटैच्ड है जैसे कि लिम्स अपर एंड लोअर लिम्स शोल्डर एंड पेल्विक ग्रिडल। अपर एंड लोअर लिम्स मीन्स एक्सट्रीमिटी जो भी आपके हाथ और पैर हैं। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो एक्जियल एंड अपेंडिकुलर रीजन या फिर स्केलेटन तो अभी एक्जियल रीजन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हेड नेक एंड ट्रंक आता है बेसिकली ट्रंक में आपके चेस्ट एंड एबडोम या फिर आप बोल सकते हो पेल्विक का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है तो ये तीन पार्ट्स मिलके ट्रंक बनाते हैं इस एरिया को हम ट्रंक बोलते हैं ये आपका नेक हो गया और ये आपका हेड हो गया एंड अपेंडिकुलर रीजन में आपके आते हैं अपर लिम्स लिम्स लोअर पेल्विक ये आपका शोल्डर ग्रिडिल है अब हम बात करते हैं डायरेक्शनल टर्म्स की तो एनाटॉमी में क्या क्या डायरेक्शनल टर्म्स यूज होते हैं फर्स्ट वन इज सुपीरियर एंड इनफीरियर सुपीरियर एंड इन्फीरियर को समझने के लिए जब हम अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसे डिवाइड करते हैं तो जो आपका अबव पोर्शन होता है उसे हम सुपीरियर बोलते हैं और जो बिलो पोर्शन होता है उसे हम इन्फीरियर बोलते हैं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ए अपॉन बी अबव अपॉन बिलो अबव मतलब सुपीरियर बिलो मतलब इन्फीरियर और ऐसे भी याद कर सकते हो एस फॉर सुपीरियर एंड एस फॉर स्कल सुपीरियर से स्कल एंड इंफीरियर में एफ आता है एफ का मतलब फ्लोर फ्लोर कहाँ होता है नीचे तो इंफीरियर का मतलब बिलो बिलो अगर आप जा रहे हो तो उसे इंफीरियर बोलोगे अब आप जा रहे हो तो उसे सुपीरियर बोलोगे सेकेंड आपका आता है मीडियल एंड लेटरल तो मीडियल एंड लेटरल को पढ़ने के लिए सपोज ये एक बॉडी पार्ट है इसमें एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करी और बॉडी पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया राइट एंड लेफ्ट में जैसा कि डायग्राम में ऑलरेडी शोन है तो इस लाइन को हम बोलते हैं मिड लाइन ये यहाँ पे लिखा है मिड लाइन बोलते हैं तो जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं जो टुवर्ड्स द मिड लाइन है मिड लाइन की ओर जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं मीडियल जो बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द मिड लाइन जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं मीडियल और जो अवे हो रहे हैं मिड लाइन से दैट मीन मिड लाइन से दूर हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं लैटरल फॉर एग्जाम्पल ये फेस है आपका है ना एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी ये नोज है यहाँ पे आइज हो गई और ये ईयर्स हैं ठीक है तो नोज आपकी मिड लाइन के टूवर्ड्स जा रही है है ना टुवर्ट? एकदम पास में है तो नोज आपकी मीडियल है किसके चिक बोन के चिक्स के पास में है बट ईयर्स की हम बात करें तो ईयर्स आपके लेटरल है नोज के या फिर साइड बोल सकते तो lateral, हो तो लैटरल ईयर आपके लैटरल हो गए नोज के आर लैटरल टू द नोज तो इसे ही हम मीडियल और लैटरल बोलते हैं नेक्स्ट डायरेक्शनल टर्म्स आता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर तो एंटीरियर को हम वेंट्रल भी बोलते हैं एंड पोस्टीरियर को डॉर्सल बोलते हैं एंटीरियर में हमेशा याद रखना ए से आगे एंड पी से पीछे तो आगे का व्यू मतलब फ्रंट व्यू है तो एंटीरियर बैक व्यू है तो पोस्टीरियर और नाम भी याद रखना है एंटीरियर वेंट्रल, पोस्टीरियर डोर्सल। तो ए आपका पहले आता है एंड वी आपका बाद में आता है ये अपोजिट अपोजिट है पोस्टीरियर में पी आपका लास्ट में आता है बट डी पहले आता है ये अपोजिट अपोजिट है तो नाम भी याद रखना है और फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू भी याद रखना है नेक्स्ट आपका है प्रोक्सीमल एंड डिजिटल तो प्रोक्सीमल में पी से याद रखना पास एंड डिस्टल मतलब डी से दूर दैट जो भी आपके बॉडी पार्ट का ओरिजिन है ओरिजिन का मतलब होता है जहां से भी बिगनिंग हुई है बॉडी पार्ट की या फिर बॉडी पार्ट स्टार्ट हुआ है उस साइड की ओर मतलब टूवर्ड्स अगर जा रहा है तो उसे हम प्रोक्सीमल बोलेंगे और अगर अवे हो रहा है उस ओरिजिन से तो उसे हम डिस्टल बोलेंगे एग्जाम्पल ड्राम में देखो ये है, है है, है है, है? है। इसकी origin हुई है यहां से shoulder से। तो elbow आपकी proximal है, towards hand, है ना? Elbow आपकी ना? किधर जा रही है? Origin की जा रही रही की बट हैंड्स आपके एल्बो के हैं, डिस्टल दूर जा रहा है ओरिजिन यहां से है तो ओरिजिन से जब दूर गया तो उसे हम distal बोल और जो पास गया उसे हम प्रोक्सीमल बोल दिए नेक्स्ट आपका आता है सुपरफिशियल एंड डीप सुपरफिशियल से याद रखो ऊपर ऊपर और ऐसे याद रखो सरफेस दैट मेंस सरफेस के क्लोज सरफेस के ऊपर ऊपर जब भी कोई चीज होती है उसे इन सुपरफिशियल एंड डीप का मतलब गहरा ठीक है तो इन डायग्राम आप देख सकते हो डीप मतलब इनसाइड बहुत ही सरफेस के अंदर दूर जाकर कोई इंजरी हो गई है सपोज तो उसे हम डीप इंजरी बोलेंगे और जो सरफेस पे ऊपर ऊपर इंजरी हुई है सपोज स्किन पे हो गई या फिर आउटर लेयर्स पे हो गई तो उसे हम सुपरफिशियल इंजरी बोल सकते हैं नेक्स्ट आपका था यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल तो बाय द वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड यूनि मींस होता है 1 एंड बाय मींस होता है 2

बॉडी पार्ट्स या फिर पोर्स में डिवाइड करती हैं या फिर सेपरेट करती हैं अलग करती हैं तो कितने टाइप्स के एनाटोमिकल प्लेन होते हैं फर्स्ट वन इज मीडियल सेकेंड इज सेजाइटल थर्ड इज कोरोन लास्ट वन इज ट्रांसवर्स मीडियल प्लेन को पढ़ने से पहले आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है एंड लैटिट्यूड क्या होता है तो so लॉन्गिट्यूड जब वर्टिकल लाइन पास होती है तो उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं एंड जब हॉरिजेंटल लाइन पास होती है तो उसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं लॉन्गट्यूड ऐसे भी आप याद कर सकते हो लॉन्गी में लॉन्ग आता है लॉन्ग मींस लंबा तो वर्टिकल लाइन पास हो रही है एंड लैटिट्यूड इसमें टी आता है लेटना लेटने से आप ले सकते हो कैसे लेटेंगे ऐसे ही लेटेंगे ना खड़े खड़े तो लेटेंगे नहीं तो इस तरीके की लाइन जब पास होगी ऑरिजेंटल तो उसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं सो दिस इज द इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन पासिंग लॉन्गिट्यूडली द बॉडी फ्रॉम फ्रंट टू बैक डिवाइडिंग इंटू राइट एंड लेफ्ट हाफ मीन ये आपकी बॉडी है इसमें वर्टिकल लाइन लॉन्गिट्यूडली हम मीडियल प्लेन बोलते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट डिडी इंटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन बॉडी है और जब हम इसे वर्टिकली टॉप टू बॉटम डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम सजाइटल प्लेन बोलेंगे डायग्राम से समझते हैं ये आपका सेंटर ऑफ द बॉडी है या फिर यहाँ से आपकी मिड लाइन पास हुई है इधर राइट एंड लेफ्ट दोनों पोर्शन इक्वल हैं। जब यहां से वर्टिकल लाइन पास होगी तो उसे हम मिड सेजाइटल प्लेन बोलेंगे क्यों बोलेंगे मिड मतलब मीडियन प्लेन एंड सजाइटल तो इसको मिला के बोला मिड सेजाइटल प्लेन एंड जब भी आपकी मिड सेजाइटल प्लेन या फिर सेंटर से ना होकर के उसके पास से लाइन पास होगी वर्टिकल तो उसे हम बोलेंगे प्लेन। प्लेन। लेट्स मूव टू इसको हम फ्रॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं जब भी कोई वर्टिकल प्लेन या फिर वर्टिकल लाइन पास होती है बॉडी के और वो डिवाइड कर देती है बॉडी को फ्रंट एंड बैक या फिर एंटीरियर एंटीर एंड पोस्टीरियर में यहाँ से बॉडी लाइन पास हुई और आगे का व्यू फ्रंट व्यू कहलाया और पीछे का वीव, वीव, हो गया तो इसे फ्रंटल प्लेन बोलेंगे तो लास्ट आपका ट्रांस एक्जियल प्लेन भी बोलते हैं तो हॉरिजेंटल प्लेन या फिर ट्रांसवर्स से ही पता चल रहा होगा कि जब भी हम बॉडी को ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजेंटल लाइन में डिवाइड करते हैं तो हमारी बॉडी सुपीरियर एंड इनफीरियर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ये आपका एबव है और ये आपका बिलो है इसे ही हम ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि मूवमेंट्स के रिगार्डिंग क्या टर्म्स यूज होते हैं तो सबसे पहले मूवमेंट क्या होता है ये जान लेते हैं मूवमेंट टेक प्लेस एट जॉइंट्स टू और मोर बोन्स मीट और आर्टिकुलेट अदर जहा पे दो या दो से ज्यादा उसे ही हम मूवमेंट कहते हैं फर्स्ट मूवेंट आपका एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट दैट मीन्स जब दो बॉडी पार्ट के बीच में आपका एंगल डिक्रीज होगा कम होगा तो उसे हम फ्लैक्शन बोलेंगे एंड एक्सटेंशन क्या है जब भी एंगल इंक्रीज होगा दो बॉडी पार्ट्स के बीच में तो उसे हम एक्सटेंशन बोलेंगे अब याद कैसे होगा एफ एंड ई ई फॉर एक्सटेंशन एफ फॉर फ्लेक्शन तो ई e में आपका थ्री लाइंस यूज हो रही हैं है ना वन टू थ्री थ्री लाइंस यूज हो रही हैं तो मतलब ज्यादा लाइंस हैं तो ज्यादा से याद रखना इंक्रीज ज्यादा हो रहा है एंगल एंड एफ में सिर्फ टू लाइन्स है टू लाइन्स मतलब कम हो रहा है कम से याद रखना डिक्रीज तो जहां भी एंगल एंगल डिक्रीज होगा उसे हम फ्लेक्शन बोलेंगे और जब भी एंगल इंक्रीज होगा तो उसे हम एक्सटेंशन बोलेंगे डायग्राम में हम समझ रहे हैं यहाँ पे आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है है ना हाथ दूर जा रहे हैं तो ये एंगल इंक्रीज हो रहा है एंड यहाँ पे हाथ आप फोल्ड कर रहे हो तो एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है कम हो रहा है

नेक्स्ट हमारा आता है सरकमडक्शन सर्कमडक्शन मतलब कंबाइंड ऑफ फ्लेक्शन एडक्शन सारे सर्कुलर मैनर में अगर चल रहे हैं तो उसे हम सर्कमडक्शन बोलेंगे इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो ये आपकी बॉडी का मिड लाइन है और एबडक्शन में क्या है बॉडी पार्ट अवे जा रहा है

रोटेशन होगा उसे बोलेंगे मीडियल रोटेशन एंड मीडियन प्लेन के अवे होगा या फिर दूर होगा तो उसे हम लैटरल रोटेशन बोलेंगे इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो मीडियन प्लेन की ओर जब रोटेशन होगा उसे हम बोलेंगे मीडियल रोटेशन एंड आउटवर्ड होगा तो उसे लैटरल बोलेंगे ये पैर देख रहे हो दिस इज लैटरल एंड दिस इज मीडियल रोटेशन नेक्स्ट मूवमेंट इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन Elevation refers to movement in a superior direction. Depression refers to a movement in a inferior direction. Superior means above. जब भी ऊपर की side होगा movement उसे हम elevation बोलेंगे और जब नीचे की side movement होगा तो उसे हम depression बोलेंगे. Image तो में आप clearly देख सकते हो यहाँ पे movement superior हुआ है and यहाँ पे movement inferior हुआ है. यहाँ पे आपका शोल्डर एलिवेट हुआ है एंड यहाँ पे शोल्डर डिप्रेस हुआ है नेक्स्ट पोजिशन आपकी आती है प्रोनेशन एंड एंड तो आपने प्रोन सुपाइन पढ़ी है दोनों positions को अपने माइंड में रखिए प्रोनेशन इज द मीडियल रोटेशन ऑफ फोर आर्म सो दैट द पाम कम्स टू फेस बैकवर्ड दैट मीन्स फोर आर्म का मीडियल रोटेशन होगा जिससे जो आपकी पाम्स है हथेली है वो बैकवर्ड आएंगी एंड सुपाइनेशन इज द हथेली है वो face करेगी means, front view आपका आएगा इमेज में देखते हैं इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन प्रोनेशन में क्या हुआ मीडियल रोटेशन हुआ है फोर का और पाम का पोस्टीरियर व्यू आया है बैक साइड व्यू आया है एंड सुपाइनेशन में क्या हुआ लैटरल रोटेशन हुआ जिससे आपका फ्रंट व्यू या फिर एंटीरियर आगे का व्यू आया है नेक्स्ट मूवमेंट आपका आता है प्रोट्यूशन एंड रिट्रैक्शन प्रोट्रूशन इज द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट दैट मींस जब बॉडी पार्ट का फॉरवर्ड आगे की साइड का मूवमेंट होता है तो उसे हम प्रोट्यूशन बोलते हैं एंड रिट्रैक्शन इज द बैकवर्ड मूवमेंट फ्रॉम प्रोट्यूशन मतलब बॉडी पार्ट का फॉरवर्ड मूवमेंट हो गया है फिर हम हम उसे उसे बैकवर्ड मूवमेंट में ले आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं बोलते फॉर एग्जाम्पल आप अपनी टंग को बाहर निकालते हो जीप को बाहर निकालते हो तो उसे हम प्रोट्रूशन बोलेंगे प्रोट्रूशन ऑफ टंग दैट मीन बॉडी पार्ट क्या हुआ फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है और जब आप उसी टंग को बैकवर्ड मूवमेंट ले जाते हो मतलब अंदर की ओर ले जाते हो तो उसे हम बोलेंगे रिट्रैक्शन इस इमेज में भी आप प्रोट्रूशन एंड रिट्रैक्शन देख सकते हो ये आपका मैंडिबल एरिया है और इसमें जब आउटवर्ड मूवमेंट हुआ है या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है तो उसे हम प्रोट्रूशन बोलेंगे एंड जब बैकवर्ड मूवमेंट वापस से हो जाएगा तो उसे हम रिट्रैक्शन बोलेंगे नेक्स्ट आपका आता है इन्वर्शन और इवर्शन ऑफ फूट सो द इन्वर्शन ऑफ फूट इज द मूवमेंट दैट कॉजेज द प्लांटर सरफेस ऑफ फूट टू फेस इनवर्ड एंड डाउनवर्ड दैट स आपके पैर का प्लांट सरफेस जब भी मिड लाइन की ओर मूवमेंट करेगी तो उसे हम बोलेंगे इनवर्शन ऑफ फूट एंड एवर्शन ऑफ में क्या होगा जब भी प्लांट सरफेस मिड लाइन से अवे मूवमेंट करेगी उसे हम बोलेंगे इवर्शन ऑफ फूट इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो इन्वर्शन एंड इवर्सन ऑफ फूट सपोज ये मिड लाइन है आप सोच रहे हो मिड लाइन इतना दूर क्यों है ये आपकी ह्यूमन बॉडी है समझने के लिए डायग्राम बना रही हूं बस तो ये आपकी मिड लाइन हो गई राइट एंड लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो राइट एंड लेफ्ट क्योंकि राइट right साइड में एक पैर आएगा और एक पैर लेफ्ट साइड में आएगा तो एक पैर उठा के अगर हम डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो ये आपकी मिड लाइन है तो जब भी मूवमेंट आपका मिड लाइन की ओर होगा तो उसे हम इन्वर्शन बोलेंगे ठीक है प्लांटर सरफेस को पैर को आप थोड़ा सा मिड लाइन की ओर अगर मूव कर रहे हो तो उसे हम इन्वर्शन बोलेंगे और जब आप मिड लाइन से अवे मूव कर रहे हो तो उसे हम एवर्शन बोलेंगे